एपिसोड में तो हम पेंगोंग लेक से आगे निकल गए हैं, तो आज शाम को हमने वापस निकलना है ले, पर हम कहीं और से दूसरे रास्ते से वापिस जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे खाना बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे लेक का पानी अच्छा नहीं है। तो हमें ग्लेशियर का पानी मिल गया है लेक से थोड़ा आगे आके, तो ये पानी मीठा है भाई। तो यार अपना टायर पंचर हो गया, पूरा बैठ ही गया है, तो टायर को चेंज करते हैं पहले, फिर ही आगे निकल पाएंगे। तो भाई हमारा जो पाना ये लग नहीं रहा इसमें आ रहा, तो ये है इससे, ये अपना ब्रांड न्यू टायर भाई। फाइनली अपना भाई टायर चढ़ गया है। मैं यहाँ काफी ऊपर आ गया भाई, मुझे यहाँ ऊपर याक्स के झुंड दिखे थे, पता नहीं यहाँ तो थे कहीं, चले गए कहीं। देखो यहाँ पे क्या है, भाग गया वहां से ऊपर ही चले गए, उस टाइम तो यहीं कहीं थे वो। चलो आप ही चलता हूँ, मैं काफी ऊपर आ गया मैं भी। ये देखो नीचे अपनी गाड़ी। तो भाई थोड़ा तरबूज खाते यार, पानी की कमी को दूर कर दे। तो फाइनली अब निकल गए हैं हम यहाँ से। देखो भाई बर्फ का बेड बना हुआ है, बीच में बेड बर्फ लटकी हुई है, नीचे से पानी आ रहा है, ऊपर से ब्रिज है। चल 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 चल, निकल गई निकल गई निकल गई, वेरी गुड। यहाँ ना ब्लू ब्लू सा के घर का कंस्ट्रक्शन देखो, बिल्कुल हाथों से ईंटें बनाई हुई इन्होंने, और यहीं का ही जो मटेरियल यहीं का यूज किया हुआ है। देखो कितने सुंदर ने घर बनाया यहाँ पे, सारा तो आपको पता ही है कितना खूबसूरत है। और सामने भाई ऐसी खूबसूरत लेक, और पार चाइना बॉर्डर की वादियां बर्फ से ढकी हुई। नेक्स्ट लेवल का फील है, नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस है, जो कि मेरे ख्याल से लाइफ में एक बार हर एक इंसान को करना चाहिए। और मैं तो ये बोलता हूँ भाई, अब मेरा ये कहना है कि साल में एक आधी बार ऐसा एक ट्रिप माना चाहिए यार, क्यों है ना, बनता नहीं इतना, क्या बोलते पीछे वाले। तो अपना वो भाई अब चढ़ाई स्टार्ट होगी हमारी, फुल चढ़ेंगे हम यहाँ से। अब देखो भाई ऊपर टॉप में पोस्ट वगैरह भाई, सो फाइनली अब हम पहुंच गए जिसुल। सर सत श्रीकाल सर, यहाँ पे कई टायर पंचर की शॉप है, कितने किलोमीटर बाद होगा? थोड़ी कड़ी सर 2380 इंजीनियर। यहाँ से हम जाएंगे ले आगे इस रास्ते में। भाई ये वाला पैच है 33 किलोमीटर 34 के नियर बाय है, जो पूरा कच्चा पैच है, उसके बाद हमें वापस आगे मिल जाएगा, उसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है हमें, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यार समाधियां बनाई है बहुत सारी यहाँ आर्मी वालों की, शायद चुशुल मेमोरियल मेमोरियल। देखो भाई बीच में तूफान आया हुआ भाई, इधर को इंडिया के बंकर्स और पीछे ये सही है चाइना वालों के बंकर्स। जंगला मेमोरियल भाई क्या जगह है अपनी, तो अंदर जाने से पहले यहाँ पे एंट्री करवानी पड़ती भाई। तो यहाँ से
सैन्य साहब और जे है गिलास साहब और जे है साहब एम्प्टी कार्ट्रीज है साहब राउंड की और जे सीजे शीट है जिसमें बुलेट लगे हुए हैं साहब जो ब्लड टैंड ऑयल है और जे है साहब हेलमेट है जिसमें बुलेट मार्क लगा हुआ है जो 19 किलोमीटर है एक अच्छी उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए ये मुमकिन ही नहीं कि खून पर इल्जाम आ जाए। हमारे गांव में बहने उसे राखी न बांधेगी पलट के जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए। कैलाश पर्वत और आज मैं आपको एक काम देखूंगा उस पराक्रम की कहानी जो मानवीय शक्ति और सामर्थ्य से परे फाइनली चलते हैं अब यहाँ से। ओ भाई ये वो भूमि है जहाँ पे इतिहास लिखे गया है। फाइनली निकलते हैं रिजंगला मेमोरियल से लेक की ओर। भाई आज हमने आपको वो भूमि घुमाई है जिसे वीरों की भूमि कहा जा सकता है, मतलब कहते हैं वैसे। यहाँ उन शहीदों ने जान गंवाई है जिसकी वजह से हम आज यहाँ घूम पा रहे, जिन लोगों की वजह से लोमा दिख रहा है। हम लोग थोड़ा ओ भाई यहाँ से गुजरना रात को बहुत मुश्किल है क्योंकि नहीं चलता पता। इधर भी रोड है, लेफ्ट में भी रोड है, राइट में भी रोड है, नीचे को भी रोड है, तो यहाँ से दिन दिन में ही गुजर के फायदा है। नहीं तो भाई कहीं टेंट लगा लो फिर सुबह निकलो, अगर टेंट है तो अदरवाइज असुमत। यहाँ ये तो भाई पूरा दर्रा भाई बिल्कुल सुनसान है, ना कुछ मिलने वाला है। बाहर से अगर कभी चाइनीज का दिमाग खराब होगा तो गोली भी ठोक सकते हैं। वो देखो पोस्ट दिख रही टॉप में। भाई यहाँ भी तारा पोस्ट के पीछे भी एक लेक है, बीच में छोटी सी लेक है। जाते हुए ये पास मांग रहे थे, परमिट मांग रहे थे, तो हमने आते हुए किसने पूछा ना हमने बनाया था, तो हम एक फ्रेंड को लेने आए थे आलू वाला। तो भाई उसके जाम
बट अगर नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग आते हो तो भाई परमिट के विदाउट बताइएगा, नहीं तो रुकने, क्योंकि ये बॉर्डर वाला एरिया है तो ये आप पूछते, क्योंकि सामने ही भाई जो चाइना स्टार्ट हो रहा है इधर इंडिया है, बीच में रोड जा रहा है, तो ये थोड़ा कंपल्सरी है भाई डॉक्यूमेंटेशन, तो प्लीज इसका ध्यान रखिएगा। वेस्ट बंगाल आया कवर करता है सही भाई, सीन के बकरे की भाई क्या सीन है, इनके क्या स्पॉट है इसके भाई, भाई साहब बकरे देखो यहां ना क्या सीन है, क्या लगी कल लटका जी बात देखने जा रहा है भाई, फस रही है गाड़ी, बहुत जोर लग रहा है गाड़ी में, सच में फस रही है इसमें, पहुंच गए तो ये है लुमा भाई, यहाँ ग्रीनरी काफी अच्छी मिली मेरे को देखने, ऊपर से तो भाई कुछ भी नहीं दिख रहा था, अब थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा नीचे डाउन में ग्रीनरी से, और सामने एक घोड़े है कि गधे है डोंट नो, बट ये काफी खूबसूरत, इनका कुछ कलर भी अलग है और स्टफिंग भी अलग है भाई बंदों की, नहीं यार क्या प्यारे से है देखने के लिए, बिल्कुल है बिल्कुल, ऐसे एनएच स्टार्ट है अब लुमा के बाद, अब दिख रहा है रोड अच्छा है, तो अब थोड़ा टाइम जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा, थोड़ा यहाँ रुका हुआ है आर्मी वालों ने, थोड़ा यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन मतलब नाम करना पड़ता है, एंट्री करवानी पड़ती है, तो विक्की गया वहाँ पर है तब तक नाम करा लेगा, फिर यहाँ से निकलेगा कंटिन्यू, तो अब लोमा से भाई एनएच स्टार्ट है सीधा ये ले तक, तो अब भाई टाइम भी कवर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर आपने देखा है कैसा कैसा रोड था, ऊपर से रेतीला, उसमें टायर फंस जाता अगर बड़े गियर में, तो भाई फर्स्ट गियर में आना पड़ रहा था, तो अब पूरा भाई रोड दिख रहा है आपको बिल्कुल मक्खन की तरह है, रेतीला तूफान देख सकते हो आप रोड के साइड, ओह माय गॉड क्या ही नजारे भाई, तो क्या हो जब हम पल्ली साइड से आए थे पेंगोंग लेक के लिए, तो वहाँ का नजारा कुछ और था, और यहाँ आते हुए हरियाली भी है रेत भी है भाई, डिफरेंट डिफरेंट नजारे है, तो ये हमारा गोल पूरा सर्कल कवर हो गया, वहीं से वापस मुड़ जाता है, पर हमने इधर से डिसाइड किया क्योंकि इधर का भी आप लोग देख ही रहे काफी डिफरेंट है, वो 100 किलोमीटर ले चढ़ रहे हैं हम ले के लिए, अब चढ़ाई स्टार्ट होगी, पर रोड अच्छा है, अच्छी बात ही है, नहीं तो भाई रोड माड़े, रोड में तो बहुत माड़े होते हैं, खट 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 खट, ना बगाई जाती ना एवरेज निकलती है, ना टाइम का वो होता है पूरा, क्या है
है 7:30, तो मैं हमेशा ही लेट हो जाता हूँ, रात को हो ही जाती है। हमने आज डिसाइड किया था कि हम जल्दी पहुँचेंगे भाई ले, बट अब 10-11 बजे से पहले ले नहीं पहुँचते हम, क्योंकि बीच में बहुत सारे स्पॉट थे देखने के लिए, बहुत सारी लोकेशन थी देखने लायक, तो उसमें से लेट हो जाता है यार, कोई बात नहीं। आए घूमने आए, कोई दौड़ तो नहीं लगा नहीं, जैसे लेट हो जाता है। ठीक है भाई, हम भी चल पड़े भाई। हम पहुँच गए हैं उपशी, तो भूख लग रही है, खाना खाते हैं, फिर यहाँ से 47 किलोमीटर बचा हुआ है ले भाई, फाइनली अपना खाना आ गया, तो कारू ले 47। वहीं पहुंच गए ले से 24 किलोमीटर पीछे, जहाँ से हमने परसों जहाँ हमने टेंट लगाया था, आज भी वहीं लगा रहे हैं, तो जल्दी से टेंट लगाते हैं। सो फाइनली लग गया अपना टेंट, तो भाई बिस्तर लगा दिया मैंने लगभग, बस अब स्लीपिंग बैग डालने और देन गुड नाइट वाला, बढ़िया अपना स्लीपिंग बैग आ गया भाई। आसराओ हमारे गरीब खाने में, मोटी हवा चल रही भाई, एपिसोड यहीं खत्म करते हैं ले से 24 मिनट पहले, क्योंकि रात हमारी हो ही जाती है, तो मिलते हैं अब सुबह, फिर निकलेंगे ले, और ले से देखते कहां तक पहुंच पाते हैं हम आगे के सफर में। तो फिलहाल के लिए गुड नाइट और बाय बाय।